जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। उन्होंने जिला प्रशासन को सीमेंट कंपनी के हाथ की कठपुतली बताया। उन्होंने सीमेंट कंपनी की लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाते हुए कहा कि ग्रामीणों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान खनन विस्तारीकरण के दौरान प्रभावित होंगे। नाराज किसानों ने नेताओं को कंपनी का दलाल बताया। उन्होंने कहा कि ये जनसुनवाई मात्र दिखावा साबित हो रहा है। जनसुनवाई में कुछ आदिवासियों की जमीन का भी मामला सामने आया है। ये पर्यावरण विभाग की थी जिसमें अपर कलेक्टर ने कुछ बिंदुओं पर निर्देशित किया था, उस चीज को कंपनी न मान रही है न शासन उस चीज को देख रहा है। इस चीज के लिए मेरी आपत्ति थी। दूसरी आपत्ति मेरी की थी कि गुमा में 550 एकड़ जमीन जो जारी है वहाँ जन सुनवाई न करके एक सरसेनी में रखी गई, ये गलत था। हमार जमीन ला कंपनी अब जाना देख रहा है और 5 साल 7 साल पीसी रह गए हैं, ठीक है भाई। शासन जाना से कंपनी लगी और शासन है तो कंपनी दे है, तो क्यों आदिवासी की जमीन ला नहीं खरीद रहा है? एक बयाना दे के तरसा रहा है, हम कितना दलदल में फंसे भाई। 10 साल खेत में नहीं बैठी, एकड़ स्थिति हो गया है 1,00,000 एकड़ भर में दे और 7 एकड़ कचहरी और थाना सारी खा गई। रोजगार और अपना मूलभूत सुविधा गांव का विकास के लिए, लेकिन आज तक प्लान कुछ करता ही नहीं, बोलते बोलते थक गए। पहले 10 साल पहले ये बोलता था कि हमको सरसेनी से कोई मतलब नहीं, साफ सरपंच लोग जाते थे हमको सरसेनी से कोई मतलब नहीं बोलता है डायरेक्ट ऐसी। आदिवासियों की जमीन इन लोगों ने जो इनके बीच में आता है खदान के बीच में आता है उसका परमिशन नहीं हो रहा है, तो उसका परमिशन करा के प्रबंधन को क्रय कर ले, अच्छे रेट पे कर ले और स्थानीय युवाओं को उसके एवज में रोजगार दे, ये मुख्य।